एक की लापरवाही और एक की बहुत ज्यादा अच्छाई की वजह से सारी शर्मिंदगी मुझे भुगतनी पड़ी। रोही बेटा, ये ब्रेसलेट उतार दो। मोहब्बत दिल का सुकून ये मांगती है, चाहे बहा दो दरिया लहू के फिर भी कहां ये मानती है। इश्क में कर दे जो खुद को फना, मिलती है राहत उसे बेपना, उसे बेपना। अब्बे परेशान है? पता नहीं बेटा, कुछ खटक रहा है। असद सच कह रहा है या फरहान ने जो कुछ कहा है वो सच है? अगर ऐसा है तो ऐसे लापरवाह इंसान के साथ रूही अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारेगी? मैं आप ही से पूछूं? रहने दो बेटा, असद ने जो कहा है वही सच है, ये फर्ज कर लेते हैं। लेकिन फर्ज कर लेने से क्या होगा अभी? बेटा दिल की बेचैनी कुछ कम हो जाएगी। बेटा ये जो दिल होता है ना, बड़ा बेवकूफ होता है। बहलाव से बहल जाता है और झूठ से मुतमईन हो जाता है। अल्लाह करे ये सब फहम हो, असद भाई लापरवाह ना हो। सुबह से ना रहा था, वलीमे की सारी तस्वीरों में तुम्हारा मूड ऑफ आया होगा। मेरे मूड की परवाह है तुम्हें? मैं मानता हूं मेरी गलती, लेकिन क्या करूं, मैं भी तो इंसान हूं। शादी की अफरा तफरी में भूल गया। मैं शायद ऐसी पहली दुल्हन हूं जिसका शौहर उसे इतना प्यार करता है लेकिन मुंह दिखाएगा गिफ्ट लाना भूल गया। तुम्हारे लिए बहुत सारे डिजाइन जो चेक करके पसंद किए। ये गिफ्ट अगर कल दे देते तो शर्मिंदगी से बच जाते हम। तेरी वजह से शर्मिंदा, उसे कॉम्पनसेट करने के लिए प्लीज। तुम मुस्कुरा दो। बहुत प्यारी। कहाँ हैं आप? अभी तक आए क्यों नहीं? रिफत भी ये बहाने हैं आपकी छुट्टी करने के। क्या हुआ, रिफत भी नहीं आई? नहीं, उनके छोटे बेटे को बुखार है, बस ये रोज़ रोज़ के बहाने हैं उनके। मैं तो अगर सुबह कॉफ़ी ना पीऊँ तो मेरा सर दर्द से फटने लगता है, लेकिन मुझे किचन का कोई काम आता ही नहीं है।
तुम मुझे एक कप कॉफ़ी बना दोगी प्लीज़? आप प्लीज़ क्यों कह रही हैं? मैं बना दूंगी कॉफ़ी। आप कैसी कॉफ़ी पीती हैं? ब्लैक एंड स्ट्रॉन्ग विदाउट शुगर। कॉफ़ी मेरे रूम में ले आना। जी। देखना पड़ेगा। कॉफी मिल गई। कैटल पानी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। एक तो सुबह सुबह ये फुल वॉल्यूम में म्यूजिक ना सुन लेना, तो इसकी सुबह होती नहीं है। जी मुझे पता है। हाँ तुम्हें तो सब बता रखा होगा ना रिफत ने। और कॉफी तुम खुद बना रही हो? ये रिफत कहाँ है? वो नहीं आई आज। एक तो मैं रिफत की छुट्टियों से बहुत परेशान हो गई हूँ। अच्छा तुम मैं बना देती हूँ बेटा, अभी दूसरा दिन तो हुआ है तुम्हें आए हुए। अम्मी आप मेरे होते हुए काम करेंगी तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जीत रहो बेटा। आप मुझे बता दें कौन नाश्ते में क्या खाएगा, मैं सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। आप क्या खाएंगी? बेटा कुछ भी बना दोगी मैं खा लूँगी, और बाकी के लिए पूछ लो उनसे वो लोग क्या खाएंगे। तुम्हारा फेवरेट आलू का पराठ। झुक झुक जियो भाभी। भाई ऑमलेट कैसा लगा? बहुत अच्छा, जबरदस्त। बाबू के हाथ में जायका है। ये लो मेरी तरफ से तुम्हारा नाम। मैं तो कहती हूँ रिफत बी की छुट्टी कर देते हैं, आज से तुम ही कितन संभालो। क्यों अम्मी, तुमने तो मेरे मुँह की बात छीन ली। इन मुलाजमों के बने हाथ के खाने और घर की बहू के हाथ के बने हुए खानों में तो बहुत फर्क है। दिल जीत लिया बेटा तुमने। और हमारे यहाँ वैसे भी जब बहू घर में पहली बार कुछ बनाती है तो बड़े कुछ ना कुछ देते हैं। रख लो बेटा। ले लो। रख लो भाई, खुशी से देने। थैंक यू। वैसे तो रस्म है खीर में हाथ डलवाने की, पर कोई बात नहीं अम्मी, ये सब कुछ मैं अपनी खुशी से कर रही। जीती रहो बेटा। दूसरे दिन सबके दिल जीत लिए तुमने। पता है जब सब नीचे तुम्हारी तारीफें कर रहे थे ना, तो मुझे अपने प्यार पे गुरूर हो रहा था। गुड़िया है। हाँ जी, अब बीना के सामने हमारी क्या वैल्यू। अच्छा मजाक करो, तुम आराम से फोन पे उससे बात करो, मुझे सुबह से मेरे दोस्त बुला रहे हैं, मुझे उनसे मिलने जाना है। ठीक है, बाय बाय। हाँ गुड़िया, आप भी बड़ी मुश्किल में फंस गई हो, समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूं। मुझे पता था तुमसे नहीं होगा। बड़ी हो जाओ लड़की। वो तो मैंने होना नहीं है। आप बताइए कि क्या पहनूं, अभी देर हो रही है, मुझे वैन आने वाली होगी। अच्छा तुम ब्लू ड्रेस पहन लो। थैंक यू सो मच। रुवेफ प्लीज मेरे कपड़े प्रेस कर दोगी? रिफत भी निकल गई है। नहीं मैंने मीटिंग में जाना है, मैं लेट हो जाऊंगी। प्लीज आप जाके तैयार हो जाएं, मैं प्रेस कर देती हूँ। थैंक यू। मैं साइट एरिया से आ रहा हूँ, अगर हमने काम स्पीड अप ना किया तो प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं हो सकेगा। मैं बाद में बात करता हूँ। खुदा हाफिज़। अंकल का इंतजार कर रहे हैं? नहीं
वैन वाले का। लेकिन वैन वाले की जो हरकतें हैं ना, मुझे लगता है कि वैन इंतजार इंतजार ही रह जाएगा। आइए मैं आपको ड्रॉप करता हूँ। नहीं, आपको जहमत हो। कोई जहमत नहीं हो, आई इंसिस्ट। प्लीज इंतहा की गर्मी पड़ रही है, तभी एक दफा मुरव्वतन इनकार करने के बाद ज्यादा इसरार करना अफोर्ड नहीं कर सकती थी। अगर आप चले जाते तो मुझे इस कड़ी धूप में सड़ना पड़ता। आप कुछ बोलेंगे नहीं? मैं क्या बोल? कुछ भी, इतनी बातें होती हैं, मुझसे ज्यादा देर चुप ही रह जाता। अच्छा बताएं, आप भी कैसी हैं? आपकी बहन बहुत अच्छी। देखा, एक ही दिन में दिल जीत लिया ना आप ही ने आप सबका। मेरी आपकी है ही इतनी अच्छी। हमारे घर में भी सब वही मैनेज करती थी, उनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई हैं। तो आई एम लर्निंग। अब भी और मैं बहुत मिस करते हैं आपके को। अन्नू भी काम करती है घर में? हमारे घर में तो सब आप ही करती थी। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। आप आएंगे नहीं अंदर कुछ चाय वगैरह? फिर भी सही, इस वक्त थोड़ा काम है। थैंक यू वंस अगेन। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अब्बी। अब्बी अब्बी अब्बी, क्या हुआ आपको? क्या हुआ आपको? पानी मिलने का आती पानी अभी। गुड़िया फोन क्यों नहीं उठा रहे? अब तक तो यूनिवर्सिटी से भी आ चुके होंगे। नहीं, मैं हॉस्पिटल में हूँ। तुम मीटिंग मैनेज कर लो यार, मेरा आना पॉसिबल नहीं है। ओके। बिना आप रो क्यों रही हैं? क्या करूं? आप आपे को फोन करके बता दें प्लीज। आप चाहती हैं वो भी परेशान हो जाए? डॉक्टर्स देखा है ना, ठीक हो जाएंगे अंकल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सारा शुभ। पेशेंट के साथ आप हैं जी? डॉक्टर रूम में आइए। चले भाई, रूम में क्यों बुला रहे? कोई परेशानी की बात है? कोई परेशानी की बात नहीं, डिटेल्स बताने के लिए बुलाया होगा। आप बैठिए, मैं आता हूँ। मैं आपके साथ चलूँ।
अभी भी फोन नहीं उठा रहे, अल्लाह खैर करे। कुछ मेडिसिन में ले दिए, बाकायदगी से देते रहिए, और बेहतर तो ये होगा कि आप पेशेंट की टेस्ट करवा लेंगे। और देखिए, अभी तो अटैक जो है माइनर हुआ है, सीवियर भी हो सकता है। पेशेंट को घर कब तक ले जा सकते? अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है, जैसे स्टेबल होगी कंडीशन हम डिस्चार्ज कर। ओके सर, थैंक यू। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है शादी को पता नहीं कितने साल हो। बिजी थी, टाइम नहीं था। टाइम होता नहीं है, निकाला जाता। वही मैं हमेशा तुम्हें फ्रेश और तैयार देखना चाहता। मैं चाहता हूँ बूढ़े भी हो जाए तब भी तुम मेरे लिए तैयार हुआ करो। वाह भाई, बड़ी दूर की प्लानिंग कर रखी है जनाब ने। दूर तक की प्लानिंग नहीं, जिंदगी भर तक की प्लानिंग है तुम्हारे साथ। इस दिल में धड़कनों के साथ सिर्फ तुम धड़कती हो। रूही में रहती सांसों तक तुम्हें, सिर्फ तुम्हें देखना चाहता, तुम्हें सराहना चाहता, समझी तुम? अब जाओ जाके तैयार, जाओ जाओ जाओ। सुनो प्लीज, आइंदा मुझे तुम्हें तैयार होने का बोलना ना पड़े। जनाब का हुक्म सरा को। मेरी सर आपने रेगुलरली लेनी है, मेरे एक दोस्त हैं कार्डियोलॉजिस्ट, मैं उनसे अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ टेस्ट करवाने होंगे। फिर नहीं नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्टरों के चक्करों में पड़ते हैं तो फिर वो लंबी चौड़ी लिस्ट दे देते हैं, ये टेस्ट कराओ, ये दवाइयाँ खाओ, उसकी ज़रूरत नहीं है। लगता है शादी में थकन की वजह से हो रहा है या कुछ खाने में भी एहतियाती हो गई जिसकी वजह से तबीयत ख़राब हुई है। कुछ चाय वगैरह पूछो। रहने दीजिए, इस तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है। तकल्लुफ कैसा बेटा, तुम पहली बार हमारे घर आए हो, होना तो ये चाहिए था तुम्हारी खातिर तवाज़ो और करनी चाहिए थी। बेटा गया कि अपना बना लिया और दूसरे ही लम्हे खातिर तवाज़ो का पूछ कर मेहमान बना दिया। अब तुम्हें शुक्रिया कहा तो वो भी बुरा लगेगा तुम्हें। जी बिल्कुल, अपनों में शुक्रिया नहीं होता। इजाज़त। जी तेरा अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। आप भी अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। हाफिज़ बेटा। मन गाड़। हे अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे मालिक। वैसे तो आपके पास असद का नंबर होगा, बट जस्ट इन केस अगर वो कॉल रिसीव ना करे तो प्लीज़ ये मेरा कार्ड रख लीजिए आप, और बिना झिझक मुझे फ़ोन कर लीजिए। थैंक यू सो मच अनिप भाई, अगर आप ना होते तो। प्लीज़ जो गुजर गया उसको भूल जाइए, बस किसी तरह अंकल को कन्विंस कर लीजिए कि वो टेस्ट करवा लें। कभी कभी ज़रा सी लापरवाही भी बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा प्लीज़ आप परेशान मत हो, होने से मसले हल नहीं होते, और वैसे भी ज़रूरी नहीं है कि अगर टेस्ट करवाने का कहा है तो कोई प्रॉब्लम हो। कभी कभी डॉक्टर्स अपने खदशात दूर करने के लिए, अपनी तसल्ली के लिए भी टेस्ट कह देते हैं। ओके, आप बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखिएगा और रूही को फोन कर लीजिएगा, आपके फ़ोन ना उठाने की वजह से वो परेशान हो रही है। खुदा हाफिज़। आज फिर रिफत भी नहीं आई,
उसको मैंने छुट्टी दी है। और ये रुई मैडम, इनकी नींदें नहीं पूरी हुई अभी तक? उसकी नींदें तो अब मैं उड़ाती हूँ। कहाँ जा रहे हो? ये कौन सा वक्त था सोने का? और आज के बाद तुम अपना फोन साइलेंट पे नहीं रखो, और अब्बी से भी कहो कि अपना फोन साथ लेके जाया करें। अच्छा ठीक है, मैं बाद में बात करूंगी, बाय। पास अच्छा बाबा चले चले चलो। कहाँ जा रहे हो? हाँ अम्मी, वो ऐसे इसके साथ बाहर घूमने जा रहा था। इस वक्त क्या हो गया अम्मी? सिर्फ 10 ही तो बचे। अगर तुम अकेले जा रहे होते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन ये वक्त बीवियों को बाहर घुमाने का नहीं है। ना ही माहौल इतना अच्छा है कि बेफिक्री से तुम कहीं भी चले जाओ। अरे बेटा, ये तो सदा का ही लापरवाह है। तुम तो समझदार हो ना, समझाओ इसे। कल दिन में चले जाना, जहां भी जाना हो। चांदर, रोई, शादी हो गई है, इसे जिम्मेदारियों का एहसास दिलाओ। जॉब करे या जुनेद का ऑफिस ज्वाइन कर ले। समझदार बीवियां शौहर और घरदारी समझदारी से लेके चलती हैं। और मुझे यकीन है तुमसे शादी के बाद असद कुछ तो जिम्मेदार होगा ना। और हाँ, अब से किचन की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। रिफत भी ऊपर का काम कर लिया करेगी। रात के खाने से लेकर सुबह के नाश्ते तक बेटा ये तुम कर लिया करना। अब रिफत बी के हाथ का बस जायका खाना खा के दिल भर गया मेरा। हैं? शाबाश। चाप। शुक्र है नॉर्मल है। अल्लाह का शुक्र, वरना तुम्हारा टेप रिकॉर्डर बजना शुरू हो जाता। अंपी, खुशफहमी है आपकी, मैं इतनी आसानी से आपकी जान नहीं छोड़ूंगी। टेस्ट तो आपको करवाने पड़ेंगे। हाँ, करवा लेंगे टेस्ट। कब करवाएंगे? देखते हैं। घूर क्या रही हो? कहा ना करवा लूँ। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि वो रूही को खाने पर बुलवा लें। अभी फोन करती हूँ आपकी। एक मिनट, मैं फरीदा मैन से खुद बात करूंगा। अरे मेरा नॉर्मल आया, खुश हो जाओ। शुक्र है अल्लाह का। क्या पानी पिला? लो भाई, आज फिर रिफत भी नहीं आई। उसको मैंने छुट्टी दी है। और ये रुई मैडम, इनकी नींदें नहीं पूरी हुई अभी तक? उसकी नींदें तो अब मैं उड़ाती हूँ।
असद दरवाजा खोलो। असद आ रहा हूँ। खोलो जल्दी। क्या हुआ है? असद अभी का बीपी हो गया, मैं बेहोश हो गई। चलो जल्दी। क्या माँ, वाह, क्या हुआ? अम्मी हॉस्पिटल जाना है, गाड़ी निकालो। जी अम्मी को होश आ रहा है। अम्मी माँ, माँ हॉस्पिटल चले, आपकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। नहीं नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। ऐसे बीपी लो हो गया था, कुछ खाऊंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। सुबह में हिम्मत ही नहीं हुई खुद से उठकर नाश्ता बनाने की, तो आप मुझे फोन कर लेती। वैसे किचन की जिम्मेदारी तुमने ली थी ना। सॉरी मैं अलार्म लगाना भूल गई। कोई बात नहीं बेटा, भूल शोक तो हो ही जाती है। अभी तुम्हें आए हुए दिन ही कितने हुए। हमारी गलती है, सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल दो। मैं अभी रिफत भी को बुलाती हूँ। तमाशा लगा के रखा हुआ है। रोज रोज की छुट्टी से बेहतर है कि उनकी एक ही बार छुट्टी कर दी जाए। छोड़ो अन्नू, क्यों किसी की रोजी खत्म करती हूँ? आपने हालत देखी भाई अम्मी की? खुदा ना खास्ता ज्यादा तबीयत खराब हो जाती तो कौन जिम्मेदार था? आइंदा नहीं होगा ऐसा, मैं ख्याल रखूंगी। अम्मी के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम रह नहीं दो, मैं कोई नई मुलाजमा देखती हूँ। अन्नू वो कह रही है ना आइंदा ख्याल रखेगी। उसे एक मौका तो दो। अन्नू बात को खत्म कर दो ना बेटा। मैं ठीक हूँ। जो इस्लाम आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम आपी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो और अब्बी की तबीयत कैसी है? हम एकदम फर्स्ट क्लास। बस अब्बी की तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। क्या क्या हुआ अब्बी की तबीयत को और मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? हो गई ना परेशान, इसलिए नहीं बताया था। घर से जाते ही पराया कर दिया ना मुझे, इसीलिए बातें छुपाते हो ना तुम और अभी मुझसे। उफ आपी, इतना भी जज्बाती ना हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा बताएं, आंटी को अभी का फोन आया? पता नहीं, अम्मी ने मुझसे तो कोई जिक्र नहीं किया इस बारे में। रूही। अच्छा गुड़िया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके खुदा हाफिज़। ये क्या है यार, सिचुएशन तो देखो। अगर मेरी जगह अभी अन्नू तुम्हें देख लेती तो क्या समझती वो? देखो रूही, तुम मेरा प्यार हो, मेरी पसंद हो। मैं नहीं चाहता कि तुम कभी भी अम्मी या अन्नू के सामने लेट डाउन हो। और मुझे ये भी पता है कि मेरी रूही बहुत जिम्मेदार है। बस प्लीज देख लेना आइंदा से ऐसी कोई लापरवाही ना हो। आई एम सॉरी असद, आइंदा मेरी वजह से तुम कभी भी लेट डाउन नहीं होगे। जितना यकीन तुम्हें खुद पर है ना, उससे कहीं ज्यादा भरोसा मुझे तुम पर। अगर भरोसे की बातें खत्म हो गई हो तो आज की तारीख में नाश्ता मिल जाएगा? मुझे तुम काफी जिम्मेदार लगी थी, मगर अफसोस दूसरे ही दिन गैर जिम्मेदारी दिखाकर तुमने राय बदल दी। अब खड़ी क्या हो, जाओ अम्मी को नाश्ता बना कर दो।
गुड मॉर्निंग। कुछ चाहिए तुम्हें उमर? आप रो रही है? नहीं तो हाँ भी इधर देखें क्या हुआ है मुझे बताएं। तुम तो बेखबर सो रहे थे जब मम्मी की तबीयत खराब हुई। तुम जानते हो मम्मी बेहोश हो गई थी। लेकिन ना यहां रिफत बी के नखरे खत्म हो रहे हैं और ना किसी और की बातें। तुम हटो, मैं अम्मी के लिए नाश्ता खुद बना लेती हूँ। आप जाके अम्मी के पास बैठे, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं नहीं, तुम जी भर के रो लो, ये जरूरी काम तो बाद में होते रहेंगे। आप इतना रूड क्यों हो रही हैं आप ही? हाँ मैं हो रही हूँ रूड, क्योंकि मैं अम्मी के लिए कंसर्न हूँ। वो मेरी माँ है, उनको तकलीफ हो ये मुझे हरगिज़ गवारा नहीं। हटो, मैं खुद बना लूंगी नाश्ता। अनु और रो लो। तुम्हें किचन में जाने की क्या जरूरत थी बेटा? ये ले। अम्मी मैं तो रूही को देखने के लिए गई थी, लेकिन ये वहां नाश्ता निकालने के बजाय खड़ी रो रही थी। रोना किस बात पे आ रहा था? किसी ने कुछ कहा है, डांटा है? नहीं अम्मी, आपने कुछ नहीं कहा, बस वैसे मेरा दिल भरा है। दिल भर आने की कोई वजह भी तो होना बेटा। ऐसे तुम्हें रोता हुआ कोई देख ले तो क्या कहेगा कि हम ससुराल वाले इतने साल ही में? नहीं अम्मी। क्या नहीं? मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई, अन्नु का हाथ जल गया, ना मैं रिवायती सास बनी, ना अन्नु जलाद नंद, सब तकलीफ हम सह गए, उसके बावजूद भी अगर बेटा तुम ऐसे रोगे ये तो कोई तरीका कार ना हुआ ना। अम्मी आप छोड़ें इन बातों को, आपकी तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। आप नाश्ता करें, आपने दवाई भी खानी है। यूनिवर्सिटी के लिए निकल रहा हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ बेटा। चलो भाई नाश्ता करें। बेचारी मैंने उमर से कुछ नहीं कहा था, मगर मैंने तो किसी से भी कुछ नहीं कहा था। मैंने खुद ही तुम्हें कोई सफाई कोई वजह देने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं तुम्हें
तुम चुपचाप सब सह लोगे, किसी से कुछ नहीं कहोगे। तुमने जिस तरह ये घर संभाला ऐसे कोई नहीं करता, लेकिन तुमने किया। सिर्फ मेरे प्यार में अन्नू की तलख बातें बर्दाश्त कर रही हूं। अन्नू अम्मी के लिए कुछ ज्यादा सेंसिटिव है, इसलिए उसने जो कुछ भी तुमसे कहा उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। जैसे मुझे तुम्हें किसी किस्म की वजाहत देने की जरूरत नहीं, वैसे तुम्हें भी मुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। असल माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर। मैं कोटेशन फॉरवर्ड कर देता हूं, फिर देखते हैं क्या रिप्लाई आता है। रिप्लाई जो भी है, लेकिन ये बात अंडरस्टूड है कि मैं और तुम क्लाइंट के चंद पैसे बचाने के लिए क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ओके सर। ऑफ कोर्स यार, फ्लैट्स में कितनी फैमिलीज रहेंगी, अब हम सब की जिंदगी को रिस्क में तो डाल नहीं सकते। और हाँ, मेरे एक दो काम है साइड एरिया की तरफ, तो तुम आज रहने देना, मैं विजिट कर लूंगा। Everything okay? Yeah. मैं कुछ सोच रहा था, तुम रहने दो, मैं विजिट कर लूंगा, मुझे ठेकेदार से कुछ डिस्कस भी करना है। Okay. Thank you. Thank you. मिलती नहीं।